कुछ लोग खुशी को ढूंढते रहते हैं, पदार्थों के अंदर ढूंढते हैं, स्त्री पुरुषों के अंदर ढूंढते हैं, पुरुष स्त्रियों के अंदर ढूंढते हैं, घर में ढूंढते हैं, बाहर ढूंढते हैं, पैसे में ढूंढते हैं, जीवन में ढूंढते हैं, बच्चों में ढूंढते हैं, समाज में ढूंढते हैं, मान सम्मान में ढूंढते हैं, प्रतिष्ठा में ढूंढते हैं, पावर में ढूंढते हैं, राजनीति में ढूंढते हैं। आदमी ढूंढता ही रहता है खुशी को कि ये मुझे कहीं मिले और मैं शांत हो जाऊं। सबका यही हाल है और वो खुशी किसी को नहीं, चाहे वो वस्तु मिले ना मिले, खुशी नहीं मिलती, क्योंकि स्थाई खुशी है ही नहीं। जब जीवन ही अस्थाई है, जब संसार ही अस्थाई है, ये ब्रह्मांड ही अस्थाई है, तो खुशी स्थाई कैसे होगी? कुछ देर टिकेगी, फिर निकल जाएगी, फिर किसी चीज के पीछे भागोगे, फिर वो कुछ देर खुशी रहेगी, फिर निकल जाएगी। ऐसा करते करते पूरे संसार की पूरी आयु ऐसे निकल जाती है, ना होश होता है, ना कुछ हासिल होता है, ना कुछ पता होता है, और दौड़ते भागते एक दिन मृत्यु आती है नजदीक और उठा ले जाती है। कुछ भी हाथ नहीं होता, खाली हाथ ऊपर चले गए, ऊपर भी कहां खुशी मिलेगी जब आप खाली हाथ जाओगे। तो खुशी दिमाग की एक सोच है, दिमाग का एक विचार है, दिमाग की एक उपज है। कोई छोटी छोटी वस्तुओं से खुश हो जाता है, जिसके पास भोजन नहीं उसको भोजन दे दिया जाए, आप देखो उसके चेहरे की खुशी। किसी के पास वस्त्र नहीं उसको वस्त्र दे दिया जाए, देखो खुशी क्या होती। किसी के पास सब कुछ है लेकिन खुशी, खुशी ये नहीं कह सकते इस वस्तु से मिलेगी, जो संसारी खुशी है वो, ये तरीका है। एक बार खुशी मिल गई दोबारा फिर वही हालत होगी, फिर संसार में फंस जाओगे। ये आती जाती रहती है। एक खुशी वो होती है जो एक बार आ गई जाती है, वो मिलना भी मुश्किल है और जाना कि एक बार आ गई फिर जाएगी ही नहीं, मुश्किल नहीं है, असंभव है। एक बार अगर वो खुशी मिल गई, अगर वो आपने उसका स्वाद ले लिया, उस खुशी का, वो परमानेंट होती है, वो कभी नष्ट ही नहीं होती, क्योंकि वो संसारिक है ही नहीं कुछ भी, वो शारीरिक है ही नहीं कुछ भी, वो मानसिक है ही नहीं कुछ भी, वो मन की सोच नहीं है, वो खुशी ऊर्जा है जो आपके जीवन को भी प्रभावित करती है, जो आपके मन को भी प्रभावित करती है, जो आपके विचारों को भी प्रभावित करती है, और आप संतुष्ट हो जाते हो। फिर आपके पास चाहे कुछ भी ना हो, चाहे सोने की खदानें हो, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आ गई वो तो आ गई। आपको सोने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्वर्ण से कि ये स्वर्ण है, उससे भी कोई, अगर कुछ नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो समझ लेता है, वो जान लेता है, उन्हें पता चल जाता है खुशी क्या होती है, सत्य क्या है, और पूर्ण खुशी आनंद क्या है,
किस में मिलता है, बैठेगा खो जाएगा, खड़ा होगा खो जाएगा, चलेगा खो जाएगा। फिर ये संसार की जो छोटी मोटी खुशियां हैं ये अहमियत नहीं रखेंगे, लेकिन वो खुशी किसी किसी के लिए है जो उस खुशी को पाना चाहते हैं, जो उस खुशी को खोजना जानते हैं, जिन्हें वो खुशी चाहिए वो संसार में बहुत कम लोग हैं। लेकिन जिन्हें ये छोटी छोटी वस्तुओं की खुशी चाहिए ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं। तो जो ज्यादा लोग हैं लोग तो उसी के अंदर फंसते हैं, जो कम लोग हैं वो तो बहुत कम दिखाई देते हैं। तो अगर हमें छोटी छोटी वस्तुएं प्राप्त भी हो जाएं, ना हमें ज्यादा खुशी में फंसना चाहिए ना ज्यादा गम मनाना चाहिए। इतना तो कर सकते हो कम से कम, ज्यादा नहीं तो, कि कोई भी जो हम चाह रहे हैं वो हमें प्राप्त हो गया, कम से कम उसके पीछे पागल मत हो, क्या आंख बंद करके मत भागो, थोड़ा सा होश रखो, देखो बैठ करके कि आज ये वस्तु मिल गई। थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में जाओ, बचपन में पहले क्या मिला था तब खुश हुए थे, उससे पहले क्या मिला था तब खुश हुए थे, बचपन में क्या प्राप्त हुआ था, माँ दूध पिला देती थी उससे ज्यादा खुशी होती ही नहीं थी किसी वस्तु में। तो आप एक एक पॉइंट टू पॉइंट जब उसको समझोगे तो समझ जाओगे जो ये खुशी आई है ये भी परमानेंट नहीं, तो फिर आपको दुख भी ज्यादा नहीं होगा, परेशानी भी ज्यादा नहीं होगी, अंदर से टूटो भी नहीं गे, हार भी नहीं मानोगे, और उस छोटी सी खुशी के लिए आपके अंदर जो तड़फ है वो भी कम हो जाएगी, और आप उस स्थाई खुशी के लिए प्रयास नहीं करोगे तो सोचोगे तो जरूर कि अरे वो स्थाई खुश है, मैंने उसको देखा था, उसमें कुछ तो अलग है, उन्होंने कुछ तो पा लिया, मुझे नहीं पता क्या पाया है कैसे मिला है, लेकिन उसके जीवन में मैंने स्थाई खुशी का अनुभव किया। तो आप उस स्थाई खुशी के लिए प्रयत्नशील हो, कोशिश करो, ढूंढो उसको, बिना ढूंढे कुछ किसी को नहीं मिलता।